हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरडी कुकिंग। मैं हूं पूनम और आज मैंने बनाए ये मिक्स वेज कटलेट्स, बिल्कुल वेजीज से भरे हुए। देखिए वेजीज दिख रहे हैं कितने बढ़िया हैं, और साथ में धनिया की चटनी भी मैंने बनाई है। तो पूरी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आप ज़रूर इसे ट्राई करें। बहुत टेस्टी और हेल्दी भी है ये, बहुत ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बनाने के लिए पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, सूजी को बॉईल करना है हमें। तो पहले कढ़ाई में मैं एक कटोरी पानी ले रही हूँ, इसको हम बॉईल करने देंगे। बॉईल हो चुकी है तो एक कटोरी में सूजी ऐड कर रही हूँ। सूजी ऐड करते ही जल्दी से इसको मिक्स कर लें और गैस को ऑफ कर दें। इसको मिक्स करके हमें 5 मिनट इसको ढकना है और फिर ठंडा होने तक वेट करना है। अभी मैंने गैस ऑफ कर लिया है, आप देख सकते हैं कैसे फूल गई है। तो 5 मिनट इसको हम ढक के रेस्ट करने देंगे। थोड़ी देर बाद रेस्ट हो चुकी है, सूजी ठंडी हो चुकी है, तो मैंने बोल में ये निकाल ली है। अब ठंडी हो चुकी है सूजी काफ़ी, इसको पूरा निकाल दिया है मैंने। और इसको थोड़ा सा हम हाथ से ही जस्ट मैश करेंगे। आप चाहे तो थोड़ा सा ऑयल लेके अच्छे से मैश कर सकते हो, मैं जस्ट ऐसे ही मैश कर रही हूँ इसको। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है कटलेट्स में। यहाँ मैंने 4 से 5 आलू, आप ले सकते हैं बॉयल्ड आलू, मैंने 4 बड़े आलू लिए हैं यहाँ बॉयल्ड, और मैश हाथ से ही मैश किए हुए हैं। कद्दू किस नहीं किया है ने? मैंने हाथ से ही मैश किया है। इसे मैं डाल दे रही हूँ एक गाजर, जिसको मैंने कद्दू किस किया है। जो बच्चे नहीं खाते सब्जियाँ, तो आप इस तरह सब्जियाँ डाल के उनको खिला सकते हैं। ये मैंने लौकी ली है, आधी लौकी मैंने ली थी जैसे कद्दू किस करके, इसका मैंने रस भी निकाल दिया है। पानी पानी काफ़ी आ जाता है तो वो निकाल के और ये रखा है। तो लगभग 1/2 कप जितनी लौकी थी, और एक प्याज बारीक कटा हुआ छोटा सा ही प्याज, थोड़े से धनिए, हरे धनिए बारीक कटे हुए, और 2 हरी मिर्ची। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्ची आप डाल सकते हो इसमें। इसमें मैं डाल दे रही हूँ थोड़ा सा जिंजर पाउडर है, 1/2 छोटे चम्मच जितना। अगर आपके पास जिंजर पाउडर नहीं है तो आप अदरक कोई जस्ट कद्दूकस करके थोड़ा सा आप डाल सकते हो उसमें। मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला, 1/2 छोटा चम्मच, लाल मिर्ची डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच। इसमें मैं कोई गरम मसाला ऐड नहीं कर रही हूँ, गरम मसाले से बहुत हैवी हो जाते हैं कटलेट्स, खाने में हैवी लगते हैं। थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए 1/4 छोटे चम्मच जितनी, कलर अच्छा आता है हल्दी से काफ़ी। और नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। आप ये कटलेट ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। इन्हें मैं डीप फ्राई नहीं करने वाली हूँ, जस्ट शैलो फ्राई होगा बिल्कुल कम ऑयल में। तो आप पूरा वीडियो आप देखिए मैं कैसे बना रही हूँ। यहाँ मैं थोड़े से ब्रेड क्रम्स डाल रही हूँ, लगभग 1/2 कप जितने। इससे अच्छी बाइंडिंग मिलेंगी हमारे कटलेट्स को। ब्रेड क्रम्स डाल दिए हैं, थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर, 3 से 4 चम्मच ऐड कर सकते हैं कॉर्नफ्लोर को। इसके बदले आप बेसन भी ऐड कर सकते हो, अगर कॉर्नफ्लोर अवेलेबल नहीं घर पे तो बेसन भी आप डाल सकते हो, बट मैदा बिल्कुल मत डालिएगा, बेसन आप डाल सकते हो इसके बदले आप। बस अब इन सबको करना है बाइंड। हमें बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, वेजीज हैं, आपको और कोई वेजिटेबल्स अच्छी लगे तो आप वो भी इसमें डाल सकते हो। शिमला मिर्च भी आप कद्दूकस करके ऐड कर सकते हो, या गोभी ऐड कर सकते हो इसमें, मटर बॉयल्ड आप ऐड कर सकते हो। मेरे पास जो अभी अवेलेबल थी तो मैंने ऐड किए हैं। ये देखिए मैंने सब ऐड करके मिक्स कर लिया है, बट सूजी आप ज़रूर डालिए, सूजी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कटलेट्स का। तो बस अभी हमें इसका कटलेट का शेप बनाना है। तो हाथ में थोड़ा सा तेल ले लेंगे और जो शेप आप देना चाहो, मैंने यह गोली दिया है कटलेट्स में, बड़ी साइज़ के बना रही हूँ। तो जो साइज़ पसंद आए, छोटे बड़े सिलेंड्रिकल हार्ट शेप, आप उस हिसाब से कटलेट्स बना सकते हो। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी, बच्चों को बहुत पसंद आने वाले हैं, आप ज़रूर इसे ट्राई करें। और मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और कमेंट प्लीज़ कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरा वीडियो कैसे लगता है। या मैंने एक पैन में थोड़ा सा तेल ले लिया है, जस्ट 1 चम्मच या 1.5 चम्मच जितना, छोटा चम्मच जितना तेल जस्ट फैलाना है। इसी में ही हमको सेकना है और एक्स्ट्रा ऑयल ऐड बिल्कुल भी नहीं करना है। तो तेल जस्ट थोड़ा सा गर्म होगा और हमें कटलेट्स अपने इसमें डालने हैं।
और हमें इसको धीमी आंच पे पकाना है, बिल्कुल तेज़ पे मत रखिएगा, धीमी आंच पे ही। तेल गरम हो चुका है तो मैं कटलेट्स डाल देती हूँ। एक बार में जितने पैन में आ सके उतने आप ऐड कीजिए। तरह से डाल के और इसको हम सेकने देंगे। तेल को मैं थोड़ा सा फैला रही हूँ ताकि अच्छे से सिक पाए। मैं एक और ऐड कर लिया है इसमें, क्योंकि पैन में चार पीसेस आ गए हैं इजीली, तो मैंने चौथा भी डाल दिया है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। अब बिल्कुल धीमी आंच पे इसको पकने देना, नहीं तो अंदर से वो कच्चा रह जाएगा। तेज़ बिल्कुल मत कीजिए आँच, और ये इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हमें सेकना है। और तेल बिल्कुल भी नहीं लगाना है फिर से, वो जो हमने 1.5 चम्मच जो हमने तेल डाला था उसी में ही वो दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाएंगे। और ये नॉनस्टिक में है तो तेल भी ज़्यादा नहीं पियेंगे, वो जितना बस 1.5 चम्मच जितना तेल ही बस पियेंगे। ये चार कटलेट्स और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। ये देखिए मेरे कटलेट्स बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, तेल जितना था उन्होंने पी लिया है और ये बिल्कुल रेडी है। देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं। इस तरह हम बना देंगे कटलेट्स और भी, और बना देंगे हम चटनी साथ में। तो यहाँ मैंने लगभग 1 कप जितने धनिए लिए हैं, धोकर साफ कर लिए हैं इन्हें। इसमें मैं ऐड कर दूंगी थोड़े 5 पीस लहसुन के हैं, ये बड़े पीसेस हैं, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 नहीं आधा इंच है क्योंकि चटनी में थोड़ी बना रही हूँ, और एक हरी मिर्ची डाली है, और यहाँ पे जो चना दाल रहते हैं ना नमकीन में ऐड करते हो, थोड़ा सा 1 चम्मच जितना चना दाल मैं ऐड कर रही हूँ इसमें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा जीरा 1/2 छोटा चम्मच जितना, और नमक स्वादानुसार। यहाँ मैं थोड़ी सी चटनी बना रही हूँ, या नींबू का रस डालेंगे खट्टे के लिए, आप चाहे तो इमली भी डाल सकते हो। मैंने लेमन जूस लिया है यहाँ पे, यहाँ पे डाल रही हूँ 1 छोटा प्याज स्लाइस किया हुआ। अब बस इनको हमें पीसना है, पीसने में थोड़ी दिक्कत हो तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हो, मैंने थोड़ा पानी ऐड किया था। हमारी चटनी बिल्कुल रेडी है, चलिए सर्व करते हैं। तो ये देखिए बढ़िया हमारी कटलेट्स रेडी हैं गर्मा गर्म, और साथ में धनिए की मस्त सी चटनी स्पाइसी सी। तो आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी मुझे ज़रूर बताएँ, लाइक कमेंट ज़रूर करें, शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब जल्दी से इसको खाते हैं हम। देखिए कितने अच्छे बने हैं मस्त से, और अंदर से देखो वेजेस कितने बढ़िया लग रहे हैं, गाजर लौकी बरोबर दिख रही है हमारी, बहुत ही अच्छे से पक गया अंदर से। तो चलिए जल्दी से इसको खाते हैं डिप करके चटनी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।